मऊ जनपद के ग्राम मलपुर लोहराई में पक्की नाली का पानी बांधने से सैला सहित लगभग 25 परिवारों को इस पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मैं सत्येंद्र और ये है मेरा समुदाय। परेशानी ये बाकी पानी का निकास का नहीं है, नारी नारी में रह जाता, ज्यादा पानी हो जाता। अब जैसे सोच लिए कि कम में थोड़े बहुत हाथ को धो के अपन इधर उधर नहा ली है, ये पानी कम गिरी, आगे बढ़े के जगह ही नहीं थे, सब नारी भरल है पानी से। आगे नारी बनल बका जाए खाती थोड़ा दूर चक्रोट में है, ओकर आगे खड़िंजा से कहीं कोनो आगे जाहि वाला ना है। का परेशानी होला तोरा के पानी नारी नहीं खेता? नारी नहीं खेत ये बाकी पानी जब ना कहीं बही तब घर में लगबे करे तो घर में बढ़े तो मार किराना पीतेंगे होबे करिए। चाहत नहीं कि ये कर पानी पंडवा का निकास कर हो जा के पानी अपन निकल जा। परेशानी ये बाकी हम लोगों का नाली बांधते गए हैं, पंडवा जो है नहीं बह रहा है, आंगना आंगना पानी लगा हुआ है। कितना दिन से भाई? करीब करीब एक महीना से बना रहा। तो आपके क्या दिक्कत है पानी बनना से? पानी बढ़ना से ये दिक्कत बैठे कि पंडवा हम लोग का बंद हो गया है, पानी कैसे बहेगा? दिक्कत नहीं पड़ेगी, घर में पंडवा बहेगा, उसका बहने का स्थान भी है, वहाँ पर पड़ती है बारडेस में चग जमीन है। अच्छा आप कैसे कह लो पानी जैसे प्रधान से कैसे कह लो? प्रधान जी से कहल गए तो प्रधान जी का सुने हम क्या कहते हैं प्रधान जी? वो कई विषय में कुछ बोलते ना हो प्रधान जी, वो लोग अपन सब मिले हुए हैं लोग। अच्छा ये कितना दिन से पहले नाली बना ले? ये करीबन 150 बरस से ऊपर है लाले। के रोक ले पानी? सतदेव सिंह रोके हैं। दोनों आदमी कह रहे हैं कि एक आदमी के है? एक गिरधारी कोयरी है। तो ये दोनों आदमी पानी रोक ले? हाँ। अच्छा एक खातिर कुछ आगे कहीं गए? आगे कहाँ है, थाना पर गए बजे दर्द रखा ढेर बा। थाना से क्या सूचना मिला? थाना से सूचना मिला कि शनिवार को आइए, थाना दिवस है, वहाँ पर तहसीलदार कनगोय लखपाल सभी लोग आएंगे, अपना हर जगह कहिएगा। मैं चाहता हूं कि यह नाली जो बांध दिया गया है यह फिर से खुलवाया जाए ताकि इनका पानी उचित स्थान पर जाकर गिर सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि जनपद मऊ के ब्लॉक रतनपुरा के वीडियो के नंबर पर 9454446640 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इस गांव की नाली खुलवाई जा सके। मैं सत्येंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से इंडिया अनहट के लिए।